बच्चों आज की इस वीडियो में जनरली जानेंगे क्या आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLB 3 ईयर और LLB 5 ईयर में एडमिशन लेना है, ठीक है। और सोच रहे हैं कि कैसे कितने लोग अप्लाई करते हैं, क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी का पैटर्न होता है, क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ करना सही रहेगा, कितनी सीटें होते हैं, क्या सिलेबस होने वाला है और कितने लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में अपने फॉर्म अप्लाई करते हैं। जी हाँ बच्चों, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्स है और इस कोर्स में बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे भीड़ लगी रहती है और एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले बच्चों के पास एक डाउट है, डाउट किस बात की है कि भैया हमको लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB करना है। LLB करने के लिए हम फॉर्म पे क्लिक कर रहे हैं तो दोनों जगह हमें सेम वही फॉर्म मिल रहा है, ठीक है। तो आप उससे परेशान होइए, मैं बता देता हूँ आपको। देखो बच्चों, अगर आप 12th पास करके आए हो तो आपको क्या करना है, ये UG एंड UG प्रोफेशनल के नीचे जो ये वाला लिंक है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाते होगे तो दिखता होगा, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट PG हो तो LLB करना चाहते हो तो आपको, जैसे मान लो BCOM BA BSc करके PG मतलब आपको LLB में एडमिशन लेना है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो। ये समस्या आपकी हो गई सॉल्व, ठीक है। दूसरी सब जान लेते हैं बच्चों की LLB लखनऊ यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं। देखो 5 ईयर जहाँ इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वहाँ पे 160 सीट हैं और इस 160 सीट के लिए बच्चों, लगभग लखनऊ यूनिवर्सिटी में कम से कम, हर साल का ये रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड टूट भी जाता है कि कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे हमेशा अप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो 160 सीटों के लिए 4000 बच्चे। वहीं LLB बात करें 3 ईयर की तो 3 ईयर में बच्चों केवल 320 सीटें हैं और इस 320 सीटों के लिए बच्चों लगभग कम से कम 3500 लोग अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा टफ होता है, लेकिन एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ, इस YouTube पे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के, ठीक है, जितने लोग हैं या जितने यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, सब में आपको जाएंगे तो वहाँ हर जगह कुछ डिफरेंट दिखेगा। कोई ये कहता है कि हमसे बढ़िया कोई यूट्यूब पे नहीं है, उनसे बढ़िया बहुत कुछ है, बस वो किसी लायक नहीं है, ठीक है। तो इतना बता दे रहा हूँ। अब आपको सिलेबस को लेके ज़्यादा कन्फ्यूजन ना होइएगा, अंग्रेजी मत पढ़िएगा BLL के लिए, कंप्यूटर मत पढ़िएगा। यहाँ पे जो लिखा है ना LLB 5 ईयर के लिए, लीगल जर्नल अवेयरनेस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और मेंटल एबिलिटी पढ़ना है। भैया पढ़ना कहाँ से ये भी बता दो, कैसे पढ़ पाओगे, ठीक है। अब LLB 3 ईयर वाले स्टूडेंट की बात करते हैं, LLB 3 ईयर वालों को मात्र 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंडियन पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, ये मात्र 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वहीं बात करूं बच्चों आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो, देखो बच्चों हमारा काम आपसे पैसे बनाने नहीं होते, हम लोग क्या करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कंटेंट तैयार करते हैं। कंटेंट तैयार कौन करता है, वही स्टूडेंट तैयार करता है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLB पास करके, मतलब तो LLB का एंट्रेंस एग्जाम पास किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ठीक है। हर टॉपिक के कम से कम 30 मिनट की क्लास होगी और उसके नोट्स होंगे, फिर उसी नोट्स में आपको MCQ बैंक दिया जाते हैं, नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में दिया जाता है और 25 तारीख से एक ऐसा नोट्स आएगा जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उस टॉपिक को ग्राफिक वे में समझाया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको MCQ बैंक दिया जाएगा। हर चैप्टर से कम 50 MCQ, सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। बस क्या होता है, मेहनत हम पूरी दिन रात करेंगे लेकिन आपको सिर्फ आधे घंटे मेहनत करनी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ये कोर्स मिल जाए आपको तो सीधा गूगल प्ले स्टोर पर जाना, LU अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पे BA LLB एंट्रेंस एग्जाम के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। वहीं बात करूँ बच्चों LLB 3 ईयर वालों की तो सेम वही है, यहाँ भी हमने आपके चारों सब्जेक्ट के लिए अच्छे एक्सपर्ट बुलाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको रेगुलर 2 वीडियो क्लासेस आती रहेंगी बच्चों, ये लाइव नहीं होता, रिकॉर्डेड होता है और सैटरडे संडे को हमारे एक फैकल्टी जाते हैं, वहाँ से आपके डाउट पूछते हैं और आपके डाउट को तुरंत सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरे कंटेंट मिलेंगे, पहले तो कंटेंट हमारा मेन मकसद होता है, तो आपको कंटेंट ऐसा मिलेगा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, इस पर आप CU CET की तैयारी कर रहे हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए कुछ डिफरेंट पढ़ना पड़ता है। बाकी जगह जाओगे तो सब मिला के पढ़ाते हैं सब,
वो दिक्कत आपके सामने हो जाएगा। कई बार क्या होगा कि आपको कुछ भी पढ़ा देंगे, वो कंप्यूटर पढ़ा के चले जाएंगे, रीजनिंग पढ़ा के चले जाएंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन चीज़ों से बचिए। जो आपका सब्जेक्ट है, जितना हमने सिलेबस बताया उतना पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होता है और सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में आते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा एलएलबी के बारे में जानकारी चाहिए तो ये मोबाइल ऐप जैसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद यहाँ फ्री कंटेंट में पूरा डिटेल सिलेबस इन्होंने समझा दिया है। एलएलबी 3 ईयर कहाँ से शुरुआत हुआ, 5 ईयर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं, किस तरीके से ये आपको पढ़ाने वाले, इन चीज़ों को इन्होंने बता दिया है। तो बच्चों, अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो एलएलबी 3 ईयर में, जैसे बीए बीएससी बीकॉम करके जो बच्चा आता है और चाहता है कि लॉ की डिग्री लो, तो उसके लिए मात्र 149 रुपीज़ और ये इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज 153 रुपीज़ में आपको ऐसा कोर्स मिलेगा और ऐसे नोट्स मिलेंगे जो आप 5000 भी दे के आओगे ना तो वहाँ भी नहीं मिलेगा। और दूसरे जगह जाओगे, पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, उनके CUCET के कोर्स खरीदना, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोर्स, दोनों कोर्स में आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि आपको अगर सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, चाहते हो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कोर्स बाई करके पढ़ाई करना शुरू करिए, ठीक है। कहीं इधर उधर मत भटकिएगा, जितना मैंने सिलेबस बताया बस उतना ही पढ़िएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें डाउट जाके मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे, चैट का बटन होगा वहाँ पे, मेरे को बताइएगा, मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।